यहाँ फॉरनर आपको मेडिटेशन करते हुए मिल जाएंगे। देखिए आराम से बैठे हुए हैं गंगा जी किनारे। यहीं पर जो है रिसोर्ट वगैरह भी हैं और होम स्टे वगैरह भी हैं, और जंगल का इलाका आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर अपने आप में। न्यू बिल्डिंग्स भी है यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हो, और रास्ता कुछ ज़्यादा ही संकरा है भाई यहाँ पे। स्वागत है गाइज आपका एक और वीडियो में, और वीडियो की शुरुआत हो रही है योग नगरी ऋषिकेश से। और बज चुके हैं शाम के 6, और मेरे पीछे ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है नीलकंठ की पहाड़ियाँ। जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नीचे गांव के लिए, और यहीं पर जो है रिसोर्ट वगैरह भी हैं और होम स्टे वगैरह भी हैं, और जंगल का इलाका आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर अपने आप में, ब्यूटीफुल। और ये रास्ता जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, ये नीलकंठ वाले रास्ते से टच है। ये देखो भी रास्ता कुछ इस तरह से है, और नीचे जाएंगे हम धीरे धीरे। यहाँ बहुत सारे मकान भी हैं और होम स्टे भी और होटल्स भी हैं। तो गाइज़ आप भी अगर ऋषिकेश आते हैं और ट्रैकिंग के शौकीन हैं मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में, तो आप यहाँ अपना होटल्स वगैरह और होम स्टे वगैरह बुक करवा सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के बीच में, ये है यहाँ पर मकान वगैरह। और इस तरह से कुछ रास्ता है ये, और ओनली टू व्हीलर्स आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए स्कूटर यहाँ पर खड़ा भी कर रखा है। तो ये है पल्ली पार्क का नज़ारा, और ये देख सकते हैं आप छत में ही भाई पार्किंग भी कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। यह है कौडल्या इन, बहुत ही बढ़िया होटल, और साथ में आप देख सकते हो इसका स्विमिंग पूल भी है, तो गजब है अपने आप में ये। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य। देखते हैं होटल के साथ साथ में, ये होटल का देख सकते हैं आप रिसेप्शन वगैरह होगा, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे घर, बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप कर रखा है भाई ये पहाड़ों पे। रास्ता कुछ ऐसा है भाई बिल्कुल ढलान वाला। आम तोड़ रहे क्या, कौन चढ़ा पेड़ में? और ये बच्चा भाई आम तोड़ रहा है, कौन चढ़ा हुआ? अच्छा चढ़ा हुए क्या, निकलो भाई यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो भाई आम का सीज़न चल रहा है, और आम तोड़ने के लिए पहुँचे हुए ऊपर, और बच्चे नीचे बैठे हुए आम का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, और न्यू बिल्डिंग्स भी है यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हो, और रास्ता कुछ ज़्यादा ही संकरा है भाई यहाँ पे। इस एरिया को कहते हैं किरमोला गांव, और ये है लक्ष्मण झूला के पास, तो इसको कहते हैं किरमोला गांव। ये देखो भाई ये भी एक ऋषिकेश है, बिल्कुल डिफरेंट। और यहाँ पर पूरे ये होटल्स वगैरह हैं, बिल्कुल क्लोज है भाई ये। तो भाई होटल्स होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, वो बढ़िया लोकेशन है, बट गली थोड़ी सी संकरी है। किरमोला गांव बोलते हैं ना इसको। ये देखो टूरिस्ट यहाँ आते हुए। इस एरिया में लग रहा थोड़ा सा डेवलपमेंट, आप देख सकते हो ये बढ़िया सा लग रहा है। नो पार्किंग, जुर्माना 500 रुपये, और गाड़ी खड़ी कर रखी है यहीं पे। देवलोक होम, अभी आप देख सकते हैं ये भी होम स्टे जैसे लग रहा है, एंड ये इनका रिसेप्शन है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई ये, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला है भाई। इस एरिया में बढ़िया होम स्टे एंड होटल्स वगैरह लग रहे हैं,
जिस तरह से ऊपर से मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ही वैसा था, लेकिन यहाँ काफ़ी वाइड एरिया है। और ये तो घर लग रहा है भाई किसी का, हिमाली राणा। ये भाई मार्केट वाला एरिया में लक्ष्मण झूले का, और ये है कुछ स्थिति यहाँ की। और चलते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, गंगा जी के किनारे। पहुँच गया मैं अभी गंगा जी के घाट पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। पहले भी मैंने वीडियोस में दिखा रखे हैं, और यहाँ भी आप कितनी बार भी आओ ना, आपको हमेशा यहाँ पे डिफरेंट ही लगेगा भाई। आप दो दिन बाद आ जाओ ना तो आपको तब भी मज़ा आएगा, और आज भी बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। यहाँ फॉरनर आपको मेडिटेशन करते हुए मिल जाएंगे, देखिए आराम से बैठे हुए हैं गंगा जी किनारे। और ये देखो अभी गंगा जी का पानी हल्का फुल्का बढ़ता हुआ, और ये देखिए बीच बीच में बिल्कुल राउंड राउंड सा बन रहा है। ये गंगा जी का लेवल जो है ना वो अप डाउन हो रहा है, क्योंकि ऊपर हो रही बारिश, इसी वजह से जो है गंगा जी मटमैली भी हो रही है, और थोड़ा सा जो है ना बढ़ भी रही है। जिस इलाके में खाली हुआ करता था वो पूरा भरा हुआ है, अभी पानी आ रखा उसमें। यहाँ बैठ के आप गंगा जी का व्यू ले सकते हैं, सनसेट का व्यू ले सकते हैं, और साथ में जो राफ्टिंग कर रहे हैं ना उनको भी आराम से देख सकते हैं आप। ये ब्यूटीफुल जगह अपने आप में, कभी ऋषिकेश आओ तो इस जगह में ज़रूर आइएगा। अगर आपको मेडिटेशन वगैरह करना है अकेले में तो ये जगह बहुत अच्छी है। ये भाई ये ब्लैक है, ये हर किसी को जो है ना यहाँ पर सबके पास जा रहा है। और भाई भाई गिटार के साथ पहुँचा हुआ यहाँ पे, और कुछ बजा तो रहा है, और देखते हैं, चलते हैं जरा भाई के पास, देखते हैं क्या क्या कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये वही स्काई मैक्स रेस्टोरेंट है जिसको कि कल मैंने दिखाया था वीडियो में, कि देखिए। और भाई इस पीपल के पेड़ को देखो, इसकी जड़ें बिल्कुल गंगा जी के किनारे तक आई हुई हैं, ये देखिए। और ये भाई देखो चिड़िया का बच्चा मिल गया भाई को,
और बहुत क्यूट है यार ये तो, ये देखो ओहो उड़ गया उड़ गया, उड़ नहीं पा रहा, उड़ गया, छोटा ही है ये तो, बड़ा प्यारा यार, बहुत प्यारा है ये, कलर भी इसका मस्त है यार, कौन सा कलर, कौन सी चिड़िया होगी ये यार, इसे पानी पिला दो, ये प्यासा है तभी ये रुक गया, बच्चा है वो अभी, पानी तो उड़ नहीं पा रहा, देख ले भाई, कह रहा बच्चा है वो, पानी की वजह से कर रहा है गर्मी के कारण, ये देखो भाई ये किस चीज का है यार, पता ही नहीं चल रहा, कल सुबह कर दिया इसे, पानी की वजह से गिरा ही नीचे, हां देखा ना, ओ भाई क्या कलर है यार इसका तो, गजब, मानना पड़ेगा भाई, दोबारा उड़ गया, चिड़िया का बच्चा है, उड़ नहीं पा रहा, छोटा पानी पिला दो, ये पानी की वजह से गिरा है नीचे, चोट आया ये अच्छा, चोट है इसका, हां हो सकता है, कोई नहीं, इसके पैर में चोट आया है, दिखाओ जरा, पानी पिला दो ना पहले, हाँ वो, हाँ ये कहीं ऊपर से गिर उड़ जाएगा, ये थोड़ा सा लग सकता है, नहीं 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 उड़ पाएगी, हल्का हल्का उड़ रही है, हल्का पहले पानी पिला देना इसको, जरूर ये है भाई खूबसूरत रास्ता,